मालामाल होने के लिए अपनाएं ये 10 टोटके। अगर आप धनवान बनने ख्वाब देखती हैं तो मेहनत करने के साथ साथ कुछ उपाय भी जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप पैसे कमा तो बहुत रहे हैं मगर घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, तो देवी लक्ष्मी को एक सिक्का चढ़ाकर उसे आटे के डिब्बे में रख दें। ऐसा करने से घर में पैसा टिकने लगेगा। पुरखों का धन और विरासत प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन पानी भरा हुआ नारियल देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। 2. फिजूल खर्च रोकने के लिए उपाय। धन बचाने के आप अपने पर्स में 7 लोग डालकर रखें। यदि आप बहुत अधिक फिजूल खर्च करती हैं तो वह बंद हो जाएगा। अचानक धन आने का उपाय। कहीं पैसा फंसा हुआ वह आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है यदि आप गुड़हल के फूल की माला देवी दुर्गा को शुक्रवार के दिन अर्पित करती हैं तो। 4. पैसा बढ़ाने का उपाय। बहुत समय से नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपको शाम को सूर्य ढलने के बाद मंदिर में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। इसे जरूर पढ़े धनतेरस के दिन करें ये उपाय और पाए ढेरों लाभ। 5. खोया पैसा वापस पाने के लिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि खोया धन वापस मिल जाए, मगर आप यदि शनिवार के दिन भगवान शनि देव को तिल अर्पित करती हैं तो आपको इससे लाभ जरूर होगा। 6. पैसे कमाने के नए अवसर पाने का उपाय। धन कमाने के नए अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रोज घर से बाहर निकलने से पहले एक पानी से भरा लोटा मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। 7. फंसा हुआ पैसा प्राप्त करने के उपाय। यदि आपने किसी को धन दिया है और वह आपको वापस नहीं दे रहा है तो सूर्य देवता को गुड़हल का फूल और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका धन जल्दी वापस मिल जाएगा। आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय। अगर आपको अपनी सैलरी में मनचाहा इंक्रीमेंट चाहिए है तो अपने दफ्तर की डेस्क जहां आप बैठते हैं वहां पर एक प्लेट में कछुआ रखें। कछुआ पीतल, कांच या फिर मिट्टी का होना चाहिए। आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय। अगर आपको आर्थिक समस्या बहुत समय से सता रही है तो आपको देवी लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। तारांकन घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। तारांकन अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से अधिक लाभ होता है। तारांकन काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दे, धनहानि बंद होगी। तारांकन काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तारांकन रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। तारांकन शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिखकर इसे मंदिर में रख दें, इसके बाद रोज धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता पिता या फिर घर के किसी बुजुर्ग से आपको पैसे मिले तो इनको खर्च नहीं करें। इन पैसों को आशीर्वाद स्वरूप मानकर अपने पर्स में रख लें। हो सके तो इन पैसों पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में भी रखें। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहेगी। अपने पर्स में हमेशा चावल के कुछ दाने जरूर रखें। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से बेवजह होने वाली पैसों की बर्बादी रुक जाएगी। अपने पर्स में हमेशा बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होगी। 2 पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से लाभ मिलेगा।